NTAUGCNET यानी इमेजिनेट डाउनलोड इट ऑन गूगल प्ले स्टोर। हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहतास निमी है और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इमेजिनेट प्रो पे। दोस्तों आज हम क्लास करने वाले हैं टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लास थर्ड। इस क्लास में हम जानेंगे शिक्षण और अधिगम क्या है, अर्थ सिद्धांत और इन दोनों के बीच में क्या अंतर है। इससे रिलेटेड दोस्तों हमारे एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आते हैं, हर बार इसमें से एक क्वेश्चन आता ही आता है। और इसके अलावा दोस्तों करेक्टरिस्टिक ऑफ एडोलसेंट एंड अडल्ट लर्नर ये भी हम करने वाले हैं, इससे भी हमारे क्वेश्चन आते हैं। और दोस्तों पहले हम क्या करेंगे, इससे रिलेटेड जो भी हमारी थ्योरी है वो थ्योरी करेंगे और उसके बाद में 2012 से लेके आज तक जो भी हमारे क्वेश्चन आए हैं उन सभी क्वेश्चन को इस क्लास में देखने वाले हैं। तो दोस्तों इस क्लास को आप पूरा देखना, ध्यान से देखना। दोस्तों NTAUGCNET एग्जाम को देखते हुए हमने आप सभी के लिए एक स्पेशल पेड कोर्स लॉन्च किया है, कंप्लीट स्टडी कोर्स फॉर पेपर फर्स्ट। इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलने वाला है, नंबर एक पे दोस्तों आपको ऑल 10 यूनिट स्टडी नोट्स मिलेंगे हिंदी इंग्लिश में, नंबर दो पे दोस्तों आपको ऑल 10 यूनिट की एड फ्री वीडियोज मिलेंगी, नंबर तीन पे दोस्तों आपको सभी शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर हिंदी इंग्लिश में मिलेंगे, नंबर चार पे दोस्तों आपको 2012 से लेकर 2023 तक जो भी हमारे क्वेश्चन आए हैं वो यूनिट वाइज किए हुए मिलेंगे। जैसे कि हमारे रिसर्च के क्वेश्चन आज तक जो आज के वो अलग है, ICT के अलग है, कम्युनिकेशन के अलग है, सभी यूनिट के क्वेश्चन आपको अलग अलग किए हुए मिलेंगे। नंबर पांच पे दोस्तों जो सबसे यूनिक चीज आपको कहीं भी नहीं मिलेगी, हमने यूनिट में से सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी अलग किए हुए हैं। जैसे कि रिसर्च में हम बात करें टाइप ऑफ रिसर्च, टाइप ऑफ हाइपोथेसिस, टाइप ऑफ सैंपलिंग, इस तरह से हम बात करें टीचिंग में टाइप ऑफ टीचिंग मेथड, मॉडल ऑफ टीचिंग, इस तरह से सभी यूनिट के सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी आपको अलग किए हुए मिलेंगे। नंबर छह पे दोस्तों आपको मोस्ट रिपीटेड होने वाले क्वेश्चंस के बारे में बताया जाएगा, इनके नोट्स दिए जाएंगे, इनकी वीडियोस आपको मिलेगी, प्लस में आपको लाइव मॉक टेस्ट भी मिलेगा इनका। नंबर सात पे दोस्तों आपको मैथ और DI के क्वेश्चन सॉल्व किए हुए मिलेंगे नोट्स के अंदर। इस दौरान दोस्तों वीडियोस आपको लाइव प्लस में रिकॉर्डेड मिलेगी, जो दोस्तों लाइव क्लास लेना चाहता है वो लाइव ले सकता है और जो रिकॉर्डेड देखना चाहता है वो रिकॉर्डेड क्लास भी देख सकता है। इस दौरान आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें व्हाट्सएप पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो इसकी कोर्स की प्राइस हम बात करें तो 7,000 से 8,000 रुपए इसकी फीस बनती है, लेकिन आपसे इतना पैसा नहीं लिया जा रहा दोस्तों, आप 500 से लेकर 1,000 रुपए में इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। और समय समय पर ऑफर चेंज होता रहता है, तो आप नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से इस कोर्स को बाय कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अभी हम करते हैं इसकी थ्योरी करते हैं। देखिए थोड़ा इसको हम जूम कर लेते हैं ताकि अच्छे से दिख जाए। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे शिक्षण और अधिगम क्या होता है और उसके बाद में करैक्टरिस्टिक ऑफ एडोलसेंट एंड अडल्ट लर्नर। देखिए शिक्षण और अधिगम क्या है, हमने पहले भी आपको इसके बारे में थोड़ा बताया था क्लास वन में। देखिए शिक्षण और अधिगम इसमें थोड़ा सा फर्क है। शिक्षण क्या होता है और अधिगम क्या होता है इसके बारे में मैं आपको थोड़ा बेसिक से बताता हूँ सिंपल वे में। देखिए जब हमें कोई टीचर सिखाता है, जैसे हम स्कूल में जाते हैं और वहाँ पे क्या है कि एक टीचर आएगा, मैथ का टीचर अलग होगा, इंग्लिश का अलग होगा और साइंस का अलग होगा, अलग अलग टीचर होते हैं और उनका जो टाइम टेबल है वो भी अलग अलग होता है। यानी कि जब हमें एक सिस्टमेटिक वे में और एक टाइम टेबल के अकॉर्डिंग चीज़ें सिखाई जाए तो वो हम क्या कहेंगे, शिक्षण कहेंगे। और दूसरी चीज़ आती है अधिगम। अधिगम होता है दोस्तों लर्निंग होता है, एक होता है टीचिंग, एक होता है लर्निंग। लर्निंग क्या है, लर्निंग मतलब सीखना। सीखना क्या है कि हम कहीं भी कैसे भी सीख सकते हैं। लर्निंग के लिए क्या है कि किसी भी टीचर की ज़रूरत नहीं है, हम अपने आप भी चीज़ों को सीख सकते हैं। जैसे मान के चलिए पड़ोस में दो बंदे लड़ रहे हैं, दो लेडीज आपस में लड़ रही है और उनको देख के हम ये सीख जाए, भाई नहीं यार लड़ना तो सही बात नहीं है, लड़ेंगे तो एक दूसरे को चोट लग जाएगी और लड़ना एक बुरी बात है, ठीक है। तो वो हमने अपने आप चीज़ें सीख ली, वहाँ पर कोई सिखा नहीं रहा है लेकिन फिर भी हमने सीख ली। और दूसरा चीज़ एक और कहते हैं ना, ठोकर खा के अक्ल आती है ना, तो ठोकर खाने से यानी कि कोई गलत काम करने से हमें शिक्षा लग जाती है, भाई ये काम ऐसे नहीं करना चाहिए। तो वो क्या है कि वहाँ पे हम अपनी लर्निंग अपने आप कर रहे हैं, ऑटोमेटिक चीज़ें हो रही है वहाँ पे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अधिगम बोलेंगे, लर्निंग बोलेंगे। और जो अधिगम है दोस्तों वो हमारे जन्म लेते ही शुरू होता है और जब तक हम मरते हैं तब तक हमारा चलता रहता है। जब जैसे मान के चलिए एक 4 महीने का बच्चा होता है वो सीख जाता है भी अगर मेरे को दूध पीना है तो उसके लिए क्या है, रोना पड़ेगा मेरे को, और वो धीरे धीरे इशारे करने शुरू कर देता है, भाई मेरे को पानी चाहिए, मेरे को खाना चाहिए, क्या चाहिए। धीरे धीरे क्या है कि वो लैंग्वेज सीखना शुरू कर देता है, चलना फिरना सारी चीज़ें सीखनी शुरू कर देता है। वहाँ पे देखिए वहाँ पे कोई उसकी स्पेशल क्लास नहीं लगती, वहाँ पे कोई टीचर नहीं है उसको सिखाने वाला, कोई टाइम टेबल नहीं है, वो अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को सीख रहा है। तो ये क्या होगी हमारे दोस्तों, अधिगम होगी। और जहाँ पे स्पेसिफिकली कोई हमें आके सिखाए तो वहाँ पे क्या होगा, हमारा शिक्षण होगा। तो ये चीज़ें आपको बेसिक है जो समझाना ज़रूरी है। अब देखिए अब हम देखते हैं शिक्षण क्या है।
शिक्षण विभिन्न शैक्षणिक प्रक्रियाओं के माध्यम से ज्ञान कौशल मूल्य विश्वास और आदतें प्राप्त करने की प्रक्रिया है। देखिए शैक्षणिक प्रक्रिया, शैक्षणिक प्रक्रिया मैंने आपको बताया भाई, जैसे स्कूल में जाएंगे कॉलेज में जाएंगे वहाँ पे एक टाइम टेबल होगा, वो एक पूरी प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के जरिए चीज़ें सीखना शिक्षण कहलाता है। यह मानव जीवन का एक आवश्यक पहलू है जो व्यक्तियों को उनकी बौद्धिक भावनात्मक सामाजिक और शारीरिक क्षमताओं को विकसित करने में सक्षम बनाता है। एक जब हम स्कूल कॉलेज में जाते हैं तो हमें सर्वांगीण विकास हमारा किया जाता है, हमें सभी चीज़ें सिखाई जाती है, समाज में किस तरह से रहना किस तरह से बोलना है, और हमें फिजिकली भी ट्रेन किया जाता है। कई होता ना जैसे NSS वगैरह होगी तो काफ़ी चीज़ें हैं अलग अलग कॉलेज में अलग अलग स्कूल के अंदर कई एक्टिविटी हमें सिखाई जाती है, तो ये चीज़ इसमें होती है। और उसके बाद में हम बात करें दोस्तों, शिक्षा का अंतिम उद्देश्य व्यक्तियों को एक समृद्ध जीवन जीने में सक्षम बनाना होता है। ये आपका एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, पहले भी और आगे भी आएगा। भाई शिक्षण है, शिक्षण का अंतिम उद्देश्य क्या होता है, क्या ऑब्जेक्टिव है शिक्षण का? शिक्षण का उद्देश्य यही होता है कि हम समाज में एक सभ्य आदमी सभ्य इंसान बन सके, सभी लोगों के साथ एक अच्छा आचरण कर सके, ये शिक्षण का हमारा एक अंतिम उद्देश्य होता है। अब बात करते हैं अधिगम क्या है। एक व्यापक सतत एवं जीवन पर्यंत चलने वाली महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। मनुष्य जीवन के उपरांत ही सीखना प्रारंभ कर देता है और जीवन भर कुछ न कुछ सीखता रहता है। ये वही चीज़ मैंने बताई थी, जो अधिगम क्या है, लर्निंग, सीखना पूरी जिंदगी चलता रहता है। हम कभी ना कभी कुछ ना कुछ सीखते रहते। जब बच्चा जन्म लेता है तब से लेके मरने तक वो सीखता रहता है, और धीरे धीरे वह अपने को वातावरण में समायोजित करने का प्रयत्न करता है। इस समायोजन के दौरान वह अपने अनुभवों से अधिक लाभ उठाने का प्रयास करता है। वही है कि जितना ज़्यादा अनुभव होगा बच्चे को उतना ज़्यादा वो चीज़ें सीख पाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें इसके अंदर, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दी हुई, वो एग्जाम्पल आप देखना चाहे तो देख सकते हैं। अभी हम देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा आपका, निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम की विशेषताएँ नहीं हैं, कौन सी विशेषताएं हैं उनका चयन कीजिए, इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। तो देखिए अधिगम की विशेषताएं क्या है, अधिगम लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, सही है, ये हमेशा चलती रहती है। अधिगम अनुकूल प्रक्रिया, अनुकूल का मतलब है जब हमारा मन चाहे तब हम सीखते हैं, जब हमारा मन ना चाहे उसे छोड़ सकते हैं। जैसे हम YouTube पे वीडियो देख रहे हैं, वीडियो में क्या है कि सीखते सीखते हम बोर हो गए तो हमने क्या है मोबाइल छोड़ दिया, और फिर रात को लगा भाई नहीं यार अब मेरे को सीखना चाहिए, ठीक है, फिर फ़ोन उठा लिया, तो हम अपने हिसाब से चीज़ों को सीख सकते हैं। अधिगम सार्वभौमिक प्रक्रिया है, हम सीख कहीं भी सीख सकते हैं, कैसे भी सीख सकते हैं, अगर हम लंदन में हैं, अमेरिका में हैं, दिल्ली में हैं, कहीं पे भी चीज़ें सीख सकते हैं। ऐसे नहीं है कि हरियाणा में आ गए तो चीज़ें सीखनी बंद हो जाएगी। और अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है, जो चीज़ें हम सीखेंगे चाहे वो बुरी हो चाहे अच्छी हो, अगर हम चोरी करना सीखेंगे तो हमारे व्यवहार में परिवर्तन आ जाएगा ना, है ना, तो कुछ भी चीज़ सीखेंगे तो हमारे व्यवहार में परिवर्तन आएगा। और शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है कि व्यवहार में एक पॉजिटिव परिवर्तन लेके आना, परिवर्तन तो शिक्षण में भी होता है लेकिन उसका उद्देश्य होता है पॉजिटिव परिवर्तन लेके आना हमारे व्यवहार में। और अधिगम पुराने और नए अनुभवों का योग होता है, अधिगम अब देखिए अधिगम शिक्षण अधिगम उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायक है। अब देखिए जो शिक्षण है ना टीचिंग, वो क्या है अधिगम उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायक है, ये चीज़ आप अच्छे से समझ लेना क्योंकि यहाँ से हमारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। अब देखिए हम कुछ चीज़ें सीख रहे हैं, जैसे मान के चलिए मेरे को UGC NET क्लियर करना है, आप लोगों को JRF करना है ना, हाँ तो आपका होगा, ज़रूर होगा, मेरी दुआ है सभी का JRF होगा। तो हमारा उद्देश्य क्या है कि JRF क्लियर करना है। अब हम काफ़ी दिनों से अकेले स्टडी कर रहे हैं, अपने आप स्टडी कर रहे हैं, तो फिर हम क्या करेंगे कि यार एक टीचर देख लेते हैं, हम कोई अकेडमी ज्वाइन कर लेते हैं, कोई कोर्स ज्वाइन कर लेते हैं, उस कोर्स से क्या है कि हमारा जो JRF है वो जल्दी अचीव हमारा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे एक टीचर होगा, टीचर सिस्टमेटिक वे में चीज़ें बताएगा और वो चीज़ें सिखाएगा, प्लस में उसके पास अच्छा स्टडी मटेरियल होगा, और अगर हम स्टडी मटेरियल कलेक्ट करेंगे तो काफ़ी समय लग जाएगा। तो इसी कड़ी में मैं आपको भी बता देता हूँ दोस्तों, अगर आप JRF लेना चाहते हैं ना तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमने एक पूरा कोर्स लॉन्च किया हुआ है UGC NET JRF के लिए, हमारी ऐप NIMIZ NET में जाके वहाँ से आप वो कोर्स ले सकते हैं, और उसके अंदर क्या है कि हमने सिस्टमेटिक वे में सारी चीज़ें बताई हुई है।
और जैसे आज तक जो भी क्वेश्चन टीचिंग के आए हैं वो अलग है, रिसर्च के क्वेश्चन 2012 से लेके आज तक आए हैं वो अलग है, सभी क्वेश्चन हमने यूनिट वाइज और सब टॉपिक वाइज किए हुए हैं। इससे आपको ये पता चल जाएगा ऐसे कौन से क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं। प्लस में न्यू अपडेटेड 2023 के स्टडी नोट्स हमने बना रखे हैं हिंदी इंग्लिश में। तो दोस्तों जब हम एक टीचर की हेल्प लेते हैं ना, उससे जब हम पढ़ते हैं तो हमारे जो ऑब्जेक्टिव है, हमारे उद्देश्य जल्दी प्राप्त हो जाते हैं। तो अगर आपको जल्दी जीआरएफ करना है तो आप जरूर ऐप इंस्टॉल करना और हमारा कोर्स ले लेना। जी तो अभी हम बात करते हैं दोस्तों शिक्षण एवं अधिगम का संबंध क्या है, इससे भी हमारे क्वेश्चन आए हैं दोस्तों। अब देखिए शिक्षण और अधिगम दोनों का गहरा संबंध होता है। शिक्षण वह प्रक्रिया जिसमें ज्ञान और कौशल का विकास होता है, जबकि अधिगम वह प्रक्रिया जिसमें शिक्षक व्यक्ति द्वारा अर्जित ज्ञान और कौशल का अपने जीवन में उपयोग करने का उपयोग करता है। अब वही चीज है, अब देखिए जब खुद हम चीज़ें सीख रहे हैं और उसमें अगर शिक्षण और मिल जाएगा तो हम चीज़ों को जल्दी सीख पाएंगे। तो इन दोनों का एक दूसरे से काफ़ी गहरा संबंध है। और आगे हम देखते हैं अधिगम शिक्षण के का परिणाम होता है। अब देखिए अधिगम जो है शिक्षण का परिणाम हो सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अभी मैं जब क्वेश्चन करेंगे ना तब आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगे। और जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि थ्योरी करने के बाद में इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आए 2012 से लेके अभी तक वो सारे क्वेश्चन आपको मैं करवाने वाला हूँ। अब हम बात करते हैं, देखिए शिक्षण व अधिगम में क्या अंतर है वो हम देखते हैं। देखिए शिक्षण में जटिल परंतु अंतर संबंधी क्रियाएं सम्मिलित होती है, जैसे प्रशंसा करना, प्रश्न पूछना, भाषण देना, प्रोत्साहन करना। अब देखिए टीचिंग चल रही है हमारे, टीचर हमें पढ़ा रहा है, तो वहाँ पे क्या क्या हो सकता है? टीचर हमारी प्रशंसा कर सकता है ना, हमसे क्वेश्चन पूछ सकता है, हमारी कुटाई भी कर सकता है, किस किस की कुटाई हुई है, मेरी तो हुई हुई है, ठीक है। तो प्रोत्साहन दे सकता है हमें, कथन हमारे साथ क्या आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। तो शिक्षण क्या है, ये एक जटिल प्रक्रिया है जी। और चीज हम देखते हैं, जबकि अधिगम व्यक्तिगत क्रिया है, यह विद्यार्थियों के उपकरण में घटित होती है। जो अधिगम है वो व्यक्तिगत प्रक्रिया है, मतलब हम अपने आप सीखना है इसके अंदर। जैसे ही मैंने बताया YouTube पे गए, YouTube पे हमने वीडियो देखी, पसंद नहीं आई, छोड़ दिया, और YouTube में वो बंदा कह रहा है, अब जैसे मैं बोल रहा हूँ आपको ये स्टडी नोट्स पढ़ने जरूरी है, ठीक है, नहीं पढ़ेंगे तो आपकी कुटाई होगी, मान लो ये चीज़ मैंने कह दी, और आप क्या है कि आपने चीज़ें पढ़ ली और स्टडी नोट्स फिर पढ़े नहीं, वीडियो देख ली, तो क्या मैं आपकी कुटाई करूँगा? नहीं करूँगा ना, वो आप लोग मेरे बस में नहीं है, नहीं तो मैं कुटाई कर देता आपको जीआरएफ दिलाने के लिए। तो अधिगम क्या है, वो एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है, उसके अंदर व्यक्ति जब चाहे पढ़ सकता है, जब चाहे उसको छोड़ सकता है, वो टीचर के कंट्रोल में चीज़ें नहीं होती। शिक्षण एक कार्य है जबकि अधिगम उसका परिणाम है। शिक्षण के एक कार्य है, कार्य है ना, सुबह जल्दी उठो, स्कूल में जाओ, वो घंटी लगाओ, होमवर्क करो, ये करो, वो करो, वो करो, ये एक कार्य के जैसा है। जबकि अधिगम क्या है, उसका परिणाम है। अगर हम अच्छी टीचिंग लेंगे तो उससे कुछ ना कुछ सीखेंगे ना, अच्छे से चीज़ों को अगर ध्यान से सुनेंगे तो कुछ ना कुछ चीज़ें सीखेंगे, तो वो उसका परिणाम हो गया। शिक्षण को एक कार्य भी कहा जा सकता है जिसमें किसी प्रकार की क्रिया निहित होती है, ये चीज़ हमने कर ही ली, ठीक है। अधिगम को सफलता की उपलब्धि कहा जाता है। अब जब कोई चीज़ हम सीखेंगे तभी हमारी टीचिंग सफल होगी ना। अब मान के चलिए हम पूरा दिन क्लास में बैठे रहे, ऐसे बैठे रहे, ठीक है, टीचर की तरफ देखते रहे, और बाद में टीचर ने हमसे सवाल पूछा, हम उसका आंसर नहीं दे रहे, हमने कुछ चीज़ें सीखी नहीं, तो क्या वो सफल टीचिंग होगी? सफल होगी क्या? नहीं होगी, वो सफल टीचिंग नहीं होगी, ठीक है। शिक्षण एक सामाजिक कार्य है जो दूसरों के हितों के लिए व्यवस्थित किया जाता है, ठीक है। शिक्षण एक सोशल वर्क है जो दूसरों के हितों के लिए किया जाता है। अब टीचर आता है, टीचर क्या है, सामाजिक कार्य करता है, उसमें बच्चों को सुधारने का काम करता है, उनको एक अच्छा नागरिक बनाने का प्रयास करता है, और ये एक व्यवस्थित प्रक्रिया होती है। जबकि अधिगम एक व्यक्तिगत क्रिया है जिसमें मात्र संबंधी व्यक्ति का हित निहित होता है। लर्निंग केवल हम अपने आप के लिए करते हैं, उसमें अपना ही स्वार्थ होता है, ठीक है। शिक्षण करने के लिए अधिगम इसमें समाहित हो सकता है। अब देखिए, लेकिन यह आवश्यक रूप से जरूरी नहीं है, इस चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है। देखिए अभी मैं आपको चीज़ें समझाता हूँ।
शिक्षण करने के लिए अधिगम इसमें समाहित हो सकता है, मतलब हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अब जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे एक टीचर है, ठीक है, ये ब्लैक बोर्ड पे यहाँ पे पढ़ा रहा है और यहाँ पे क्या है, बच्चे बैठ के पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब मान के चलिए इसने क्या कहा है, इसने कहा है कि शिक्षण करने के लिए अधिगम इसमें समाहित हो सकता है। अब मान के चलिए ये एक दो और ये तीन बच्चे तो पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये तीन बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है, और हो सकता है ये चौथा भी पढ़ रहा हो, लेकिन ये दो बच्चे क्या है कि ये दो बच्चे ना पढ़ रहे हों, इन दो बच्चों का ध्यान कहीं और ही हो कि यार आज तो ना वहाँ पे घूमने जाएंगे और वो मौज मस्ती करेंगे, वो गेम खेलेंगे, है ना, तो वो चीज़ इसके अंदर हो सकती है। तो ये इसके अंदर क्या है कि इसमें अधिगम समाहित हो सकता है, हो सकता है बच्चे सीख रहे हो, ठीक है, अच्छे से शिक्षा ले रहे हो, और कुछ बच्चे हो रहे हो उसमें शिक्षा ना ले रहे हो, कुछ बच्चे सीख ना रहे हो। तो इसमें शिक्षण में ये क्या है, हमारी टीचिंग हो रही है ना, ये पूरी की पूरी टीचिंग हो रही है, क्लासरूम चल रहा है, इस क्लासरूम में कई बच्चे सीख सकते हैं और कई बच्चे नहीं भी सीख सकते, तो दोनों चीज़ें इसमें हो सकती है। और ये कोई आवश्यक रूप से ज़रूरी नहीं है कि जब हम टीचिंग करें तो सारे के सारे बच्चे सीख रहे हों, कोई ज़रूरी नहीं है ना। अब बच्चा आराम से बैठा है हमारे सामने ऐसे, अब हमें क्या पता उसके मन में क्या चल रहा है, उसके मन को तो कंट्रोल नहीं कर सकते ना हम, ठीक है। और दूसरी बात है, अधिगम के लिए शिक्षण हो सकता है लेकिन यह आवश्यक रूप से ज़रूरी नहीं है। सॉरी, देखिए, अधिगम के लिए शिक्षण हो सकता है, अब वही बात आ रही है। अब देखिए, आप लोग क्या है, यूजीसी नेट की तैयारी कर ले, अपने आप चीज़ें सीख रहे हैं, आपके पास कोई टीचर नहीं है, आप कोई कोचिंग नहीं लगा रखी है, आपने कोई कोर्स नहीं ले रखा, तो क्या है कि आप लर्निंग कर रहे हैं ना, अपने आप चीज़ों को सीख रहे हैं, लर्निंग कर रहे हैं। तो कई बच्चे हैं जो विदाउट टीचर के और विदाउट किसी कोचिंग सेंटर के यूजीसी नेट जेआरएफ क्लियर कर लेंगे आप में से, है ना। तो उसमें क्या है कि अधिगम के लिए टीचिंग हो सकता है, ये देखो हो सकता है। अब देखिए, जीआरएफ करने के लिए हम टीचर की सहायता ले भी सकते हैं और नहीं भी ले सकते, दोनों ही चीज़ें इसमें हो सकती है, लेकिन यह आवश्यक रूप से ज़रूरी नहीं है। अब देखो, हमें जीआरएफ करने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास टीचर होना ही होना चाहिए, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हमें कोचिंग लेनी ही लेनी होगी, ये कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ इसके अंदर है। फिर आगे हम बात करते हैं दोस्तों, एक मिनट, तो ये कुछ चीज़ें हैं टीचिंग एंड लर्निंग से रिलेटेड, और इससे हमारे काफ़ी क्वेश्चन आए, वो सभी क्वेश्चन हम आगे करने वाले हैं अभी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी, और ये नोट्स चाहिए तो आप हमारी ऐप डाउनलोड कर लेना, निमीजी नेट। और अभी हम बात करते हैं दोस्तों, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलसेंट एंड अडल्ट लर्नर, ठीक है, किशोर और वयस्क विद्यार्थियों की क्या क्या खूबियां हैं वो हम देखते हैं। देखिए, लर्नर कैसा होना चाहिए, हमारा लर्नर की क्या क्या विशेषता है, जो बच्चा है उसकी, अध्ययनशील होना चाहिए, परिश्रमी होना चाहिए, आशावादी होना चाहिए, उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए, भाई जो उसने उद्देश्य डिफाइन कर लिया, जो उसने गोल डिसाइड कर लिया उसको पूर्ण करने वाला भी होना चाहिए। ये नहीं है कि उसने 10 गोल डिसाइड कर लिए, एक गोल भी उसका मतलब पूरा नहीं हो रहा हो। पॉजिटिव होना चाहिए और धैर्यवान होना चाहिए, धैर्यवान भाई, चलो कोई नहीं, अब की बार अच्छे नंबर नहीं आए हैं तो मैं दोबारा मेहनत करूँगा, दोबारा नंबर आएंगे। और आप लोगों में भी काफ़ी धैर्य है यार, आप इतने काफ़ी समय से लगे हुए हैं, काफ़ी दोस्त यहाँ पे यूजीसी नेट जीआरएफ के लिए, लेकिन कई बार हो सकता है उनको असफलता मिली है, लेकिन अभी भी आप लगे हुए हैं, तो मैं विश्वास के साथ कह रहा हूँ अब की बार हमारा नेट जीआरएफ ज़रूर होगा आप लोगों का, क्योंकि आप काफ़ी अच्छे हैं यार, काफ़ी मेहनती हैं आप लोग, ठीक है। अनुशासनशील, अनुशासन होना चाहिए बच्चों के अंदर, ठीक है। किशोरों की क्या विशेषताएं हो सकती है, जो थोड़े और बड़े हैं उनकी, वो काल्पनिक हो सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं, भाई मैं ना ये स्टडी ऐसे करूँगा, उसके बाद ये करूँगा, वो करूँगा, कल्पना हो सकती है। फिर शारीरिक व मानसिक विकास हो सकता है उनका, जो थोड़े बड़े बच्चे हो सकते हैं तो उनका मानसिक विकास और शारीरिक विकास जल्दी जल्दी होगा। स्व प्रेम की भावना, वो अपने आप से प्रेम कर सकते हैं, ठीक है। आत्मनिर्भर बनने की इच्छा, जो अब देखिए, जो बच्चे प्लस टू क्लास में होते हैं या ज़्यादा बड़ी क्लास में होते हैं, तो वो सोचते हैं भाई मैं पढ़ लिख के खुद का काम करूँगा और मैं जो घर वाले उनसे पैसे मैं नहीं मांगूंगा। विद्रोह या स्वतंत्रता की भावना, अब कई बच्चे जो विद्रोह भी कर देते हैं ना, वो गलत राह पे चल जाते हैं, वो कहते हैं भाई नहीं मैं तो ऐसा नहीं करूँगा, जो टीचर के सामने हो जाते टीचर की नहीं मानते,
है ना, और मित्रता की भावना भी हो सकती है उनमें, नास्तिक या आस्तिक हो सकते हैं, देशभक्ति की भावना हो सकती है और काम प्रवृत्ति की भी भावना हो सकती है, गलत संगत में वो जा सकता है, तो ये चीज़ें इसके अंदर ठीक है। और ये देखिए व्यक्तिगत भिन्नताओं के कारण, अब देखिए एक बच्चा दूसरे से किस तरह से अलग हो सकता है, इंडिविजुअल डिफरेंस। इंडिविजुअल डिफरेंस के अंदर क्या है, एक है आंतरिक और एक है बाहरी भिन्नता, ये दो तरह की भिन्नताएं हो सकती है एक बच्चे के अंदर। हो सकता है वो शारीरिक रूप से अलग हो, मानसिक रूप से या सामाजिक रूप से अलग हो। सामाजिक रूप से हो सकता है उसके जिस समाज से वो आता है वो ज़्यादा पढ़ा लिखा समाज ना हो, और एक बच्चा ऐसी कॉलोनी से आ रहा हो जिसमें सभी लोग पढ़े लिखे हो। तो देखिए इसमें भिन्नता है, व्यक्तिगत भिन्नताओं के कारण क्या हो सकते हैं, वातावरण हो सकता है, एनवायरनमेंट, वो ऐसे एनवायरनमेंट में रह रहा हो जहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर हो रहा हो ट्रैफिक का, और लिंग भेद हो सकता है, ऐसे वातावरण में ऐसी जगह पे रह रहा हो जहाँ पे लड़कियों को ना पढ़ाया जा रहा हो। वंशानुक्रम हो सकता है, शिक्षा हो सकती है, रुचि हो सकती है, मानसिक विकास हो सकता है, शारीरिक विकास हो सकता है, भावनाएं हो सकती है, तो काफ़ी तरह की चीज़ें इसमें हो सकती है। एक तो एक खिड़की बज रही है बार बार, चलो कोई नहीं मैं करूँगा इसको सेट बाद में। देखिए तो देखिए इसमें कोई ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से आए नहीं है, और ये नॉर्मल चीज़ें आप इनको पढ़ सकते हैं अच्छे से। तो अभी हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन करें भाई। क्या हाल है, कैसे हो, करें देखें कितना कुछ आपके समझ में आया या नहीं आया, और अगर इसके क्वेश्चन नहीं कर पाओगे तो कुटाई करूँगा मैं। अब की बार आपका GRF होना चाहिए, नहीं मैं कुटाई कर दूँगा आप लोगों की, ठीक है। चलिए तो सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, द मोस्ट अप्रोप्रिएट लर्निंग, सॉरी द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ लर्निंग इज, अधिगम का सबसे उपयुक्त अर्थ क्या है, किस लिए हम लर्निंग करते हैं, हमने पढ़ा था ना, तो इसका आंसर क्या है दोस्तों, मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। हम लर्निंग इसलिए करते हैं ताकि हमारे व्यवहार में कुछ ना कुछ परिवर्तन आए, और वो परिवर्तन आता ही आता है। हो सकता है वो हम गलत चीज़ें सीख रहे तो गलत परिवर्तन आएगा, अच्छी चीज़ें सीख रहे तो अच्छा परिवर्तन आएगा, जैसा हम सीख रहे हैं वैसा परिवर्तन हमारा आएगा, तो ये चीज़ इसमें होती है, ठीक है। उसके बाद में हम बात करें जैसे और जो क्वेश्चन है इसमें, ये देखिए लर्निंग इज ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। अब देखिए अधिगम एक जीवन पर्यंत प्रक्रिया, क्या ये बात सही है, बताओ, बताया था ना अधिगम जब बच्चा जन्म लेता है तब से लेके लास्ट तक वो चलता रहता है, तो ये बात इसकी सही है, ठीक है। ए दूसरी है लर्निंग टू बी यूजफुल मस्ट बी लिंक विद लाइफ प्रोसेस। लर्निंग हमारी कब यूजफुल है, जब वो हमारे जीवन से जुड़ी हुई हो, ठीक है। हमारे जीवन में काम आने वाली चीज़ें अगर हम सीखेंगे तो वो यूज़फुल होगी। अगर हम चोरी करना सीख ले तो वो हमारी लाइफ के लिए काम आएगी क्या, नहीं आएगी, वो हमारी लाइफ को और गर्त में धकेल देगी, कल को हम पकड़े जाएंगे, जेल में पाएंगे, है ना, तो वो हमारी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर देगी। तो चीज़ें ऐसी सीखनी चाहिए जो हमारी लाइफ के लिए काम आए। तो इसमें ये देखिए तो ये क्या होगा, बोथ ए एंड आर दोनों करेक्ट है, दोनों चीज़ें सही है, ठीक है। अब देखिए इसमें नवंबर 2017 का क्वेश्चन है, देखिए इसमें ये क्या है, शिक्षण और अधिगम के प्रकृति एवं उद्देश्य को सर्वोत्तम रूप से कौन प्रस्तुत करता है, वो हमें बताना है, कौन कौन सी चीज़ें सही है वो हमें बतानी है। देखिए और जहाँ पे जैसे ये रहा ये क्या है, यहाँ पे टीचिंग इज ए सोशल एक्ट, ये हम पढ़ के आए हैं ना, वाइल लर्निंग इज ए पर्सनल एक्ट, ये चीज़ हम पढ़ के आए हैं। टीचिंग क्या है, वो सोशल एक्ट है, और लर्निंग क्या है, वो हम अपने आप करते तो वो क्या है, पर्सनल खुद का कार्य है वो। उसके बाद में हम बात करें तो टीचिंग इम्प्लाय लर्निंग, अब ये देखो ये चीज़ आ रही है सी, ये रही शिक्षण में अधिगम निहित है जबकि अधिगम शिक्षण को समाहित नहीं करता। अब एक मिनट, इसका क्या है, जबकि अधिगम शिक्षण को समाहित नहीं करता, अभी देखिए हो सकता है कोई ज़रूरी नहीं है ये चीज़ें, तो ये आंसर भी इसका सही होगा, शिक्षण में अधिगम निहित है। ये देखो टीचिंग इम्प्लाई लर्निंग, व्हाई लर्निंग डज नॉट इम्प्लाई टीचिंग, ये चीज़ हम करके आए हैं ना, जब टीचर पढ़ा रहा है तो उसमें हो सकता है कुछ बच्चे सीख रहे हो, तो क्या शिक्षण में लर्निंग हो सकता है, है ना, अधिगम शिक्षण को समाहित नहीं करता, और अधिगम में शिक्षण हो या ना हो ये कोई ज़रूरी नहीं है, तो ये चीज़ होगी। उसके बाद में हम आगे बात करें,
ये देखिए जैसे ई पे टीचिंग इज एन इंट्रैक्शन। इंट्रैक्शन क्या है? टीचिंग के अंदर एक टीचर होता है, एक बच्चा होता है, वो आपस में संवाद करते हैं, ठीक है। एंड ट्रेडिक इन नेचर, वाइल लर्निंग इज एन एक्टिव एंगेजमेंट इज ए सब्जेक्टिव डोमेन। अब ये क्या है? अधिगम एक विषय के अंतर्गत सक्रिय कार्य है, ठीक है। तो ये जो हमारी लर्निंग है, लर्निंग एक ही व्यक्ति उसके अंदर एक्टिव हो सकता है, वो अपने आप चीज़ों को सीख रहा हो, तो ये चीज़ें इसमें। और उसके बाद में हम बात करें दोस्तों इसके अंदर, एक मिनट, ये क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं। एक मिनट, आइए देखो, ये जुलाई 18 में आया है, इसमें आप देखिए, इसमें टीचिंग एंड लर्निंग के बारे में ये पूछ रहे हैं कि दोनों के अंदर क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द नेचर एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग। टीचिंग की ये बात कर रहा है, तो टीचिंग में क्या हो सकता है हमारा? जैसे इसका आंसर दिया है ए सी एफ दिया है। ए हम देखते हैं, टीचिंग एंड लर्निंग आर इंटीग्रली रिलेटेड। अब ये दोनों एक दूसरे से संबंधित है, ये चीज़ हमने बात की थी पहले, दूसरी एक दूसरे से संबंधित है। फिर हम बात करें सी की, कंसर्न ऑफ ऑल टीचिंग इज टू एंश्योर सम काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इन स्टूडेंट। अब देखो, समस्त शिक्षण का सारोकार छात्रों में कुछ प्रकार के रूपांतरण को सुनिश्चित करना होता है, ये बात की थी ना हमने। टीचिंग का उद्देश्य क्या होता है? हम बच्चों के अंदर कुछ ना कुछ परिवर्तन लेके आए, कुछ पॉजिटिव परिवर्तन उनमें लेके आए, ठीक है। उसके बाद में जैसे हम एफ की बात करें, टीचिंग इज ए सोशल एक्ट और वाइल लर्निंग इज पर्सनल एक्ट, ये चीज़ भी हम करके आए हैं, है ना। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कितना आसानी से आंसर दे सकते हैं अपने क्वेश्चन का। और उसके बाद में हम जैसे बात करें भाई, ये फिर आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिफरेंशिएट टीचिंग फ्रॉम लर्निंग। कौन कौन सी एक दूसरे को अलग करती है? ये देखिए यहाँ पे इसका आंसर है ए सी ई। ए में देखते हैं, टीचिंग इज ए सोशल एक्ट वाइल लर्निंग इज पर्सनल एक्ट। अब देखो जस्ट अभी हम करके आए हैं, पीछे करके आए हैं, ठीक है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं किस तरह से हमारे क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं। और आपको कह रहा हूँ, अगर आपको ये क्वेश्चन चाहिए, देखिए हमने काफ़ी क्वेश्चन इसमें है, सभी क्वेश्चन तो नहीं करवा पाया ना आपको, सभी क्वेश्चन एक क्लास में करवा पाना मुश्किल है दोस्तों। तो अगर आपको ये क्वेश्चन पेपर चाहिए तो आप हमारी ऐप निमिज नेट डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें आपको सभी यूनिट के क्वेश्चन पेपर यूनिट वाइज अलग अलग किए हुए मिलेंगे, और यूनिट वाइज प्लस में सब टॉपिक वाइज भी क्वेश्चन आपको अलग अलग किए हुए मिलेंगे जी। उसके बाद में हम बात करें, जैसे इसमें ई है, ई में इन टीचिंग इन्फ्लुएंस इज डायरेक्ट टुवर्ड लर्निंग एंड लर्नर। आप देखिए इसमें शिक्षण अधिगम और शिक्षण जो शिक्षण है अधिगम और शिक्षार्थियों की ओर लक्षित है, जबकि अधिगम प्राय स्वयं के लिए होता है। देखो जो शिक्षण है, शिक्षण में क्या है, टीचर और स्टूडेंट दोनों होंगे, लेकिन अधिगम प्राय स्वयं के लिए होता है, ठीक है। तो दोस्तों आप बिल्कुल आसानी से आंसर दे सकते हैं जी। तो आप इसको करना भाई अच्छे से। ये देखिए 2011 में भी क्वेश्चन आए हुए हैं, सॉरी 2021 में, ये देखिए 2021 के नीचे डेट दी हुई है। अब देखिए 2022 का क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, स्टूडेंट इज स्लो लर्नर, व्हाट स्ट्रेटेजी कैन ए टीचर एम्प्लॉय फॉर हिम हर। अब देखिए एक स्टूडेंट जो है वो स्लो लर्नर है, धीरे धीरे सीख रहा है, तो उसको उसके लिए एक टीचर को क्या करना चाहिए? प्रोवाइड वीडियो लेक्चर ऑफ द टॉपिक, नो नीड टू फैसिलिटेट, हमें उसके लिए कुछ नहीं करना चाहिए, नंबर दो ये है, नंबर तीन टेल हिम हर टू लर्न ऑन हिज हर ऑन वे, हमें उसको ये कहना चाहिए भाई तू अपने हिसाब से सीख ले, ठीक है, ये भी नहीं कह सकते। टेल हिम हर टू टेक प्राइवेट ट्यूशन, क्या उसको हम प्राइवेट ट्यूशन के लिए कह सकते हैं? नहीं। तो इसमें हम उसको क्या कहेंगे, क्या करेंगे, प्रोवाइड वीडियो लेक्चर ऑफ द टॉपिक, हम उसको वीडियो लेक्चर देंगे। और ये क्वेश्चन आया हुआ है हमारा 2023 में आया हुआ है ये क्वेश्चन, तो देख सकते हैं दोस्तों हम लेटेस्ट क्वेश्चन भी आपको दिखा रहे हैं 2022 के 23 के, तो आगे भी हम आपको क्वेश्चन दिखाएंगे इस तरह से, ठीक है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारी आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी तो इस क्लास इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और इसके साथ साथ दोस्तों अगर आपको ये स्टडी नोट्स और वीडियोस पूरा कंप्लीट पैकेज चाहिए, कोर्स चाहिए, तो आप हमारा हमारी ऐप डाउनलोड कर लेना भाई। तो आज के लिए अभी के लिए बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।
बाय दोस्तों, बाय। दोस्तों एनटीए यूजीसी नेट एग्जाम देखते हुए हमने आप सभी के लिए एक स्पेशल पेड कोर्स लॉन्च किया है, कंप्लीट स्टडी कोर्स फॉर पेपर फर्स्ट। इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलने वाला है? नंबर एक पे दोस्तों आपको ऑल 10 यूनिट स्टडी नोट्स मिलेंगे हिंदी इंग्लिश में। नंबर दो पे दोस्तों आपको ऑल 10 यूनिट की एड फ्री वीडियोज मिलेंगी। नंबर तीन पे दोस्तों आपको सभी शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर हिंदी इंग्लिश में मिलेंगे। नंबर चार पे दोस्तों आपको 2012 से लेकर 2023 तक जो भी हमारे क्वेश्चन आए हैं वो यूनिट वाइज किए हुए मिलेंगे। जैसे कि हमारे रिसर्च के क्वेश्चन आज तक जो आज के वो अलग है, आईसीटी के अलग है, कम्युनिकेशन के अलग है, सभी यूनिट के क्वेश्चन आपको अलग अलग किए हुए मिलेंगे। नंबर पांच पे दोस्तों जो सबसे यूनिक चीज आपको कहीं भी नहीं, हमने यूनिट में से सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी अलग किए हुए हैं। जैसे कि रिसर्च में हम बात करें टाइप ऑफ रिसर्च, टाइप ऑफ हाइपोथेसिस, टाइप ऑफ सैंपलिंग, इस तरह से हम बात करें टीचिंग में टाइप ऑफ टीचिंग मेथड, मॉडल ऑफ टीचिंग, इस तरह से सभी यूनिट के सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी आपको अलग किए हुए मिलेंगे। नंबर छह पे दोस्तों आपको मोस्ट रिपीटेड होने वाले क्वेश्चंस के बारे में बताया जाएगा, इनके नोट्स दिए जाएंगे, इनकी वीडियोस आपको मिलेगी, प्लस में आपको लाइव मॉक टेस्ट भी मिलेगा इनका। नंबर सात पे दोस्तों आपको मैथ और डीआई के क्वेश्चन सॉल्व किए हुए मिलेंगे नोट्स के अंदर। इस दौरान दोस्तों वीडियोस आपको लाइव प्लस में रिकॉर्डेड मिलेगी। जो दोस्तों लाइव क्लास लेना चाहता है वो लाइव ले सकता है, और जो रिकॉर्डेड देखना चाहता है वो रिकॉर्डेड क्लास भी देख सकता है। इस दौरान आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें व्हाट्सएप पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो इसकी कोर्स की प्राइस हम बात करें तो 7 से 8 हज़ार रुपए इसकी फीस बनती है, लेकिन आपसे इतना पैसा नहीं लिया जा रहा दोस्तों। आप 500 से लेकर 1000 रुपए में इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, और समय समय पर ऑफर चेंज होता रहता है। तो आप नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से इस कोर्स को बाय कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।